विधानसभा में अलीगढ़ मामले को लेकर हंगामा हो गया है। आपको बता दें विपक्ष के विधायकों ने वेल में आकर हंगामा किया है। एसपी और कांग्रेस का सदन से वॉकआउट भी हुआ है। आपको बता दें अलीगढ़ मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अलीगढ़ मामले को लेकर सदन में हंगामे की बात सामने आ रही है। अलीगढ़ मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग चल रही है, जिसको लेकर यह हंगामा हुआ है। तो आपको बता दें विधानसभा में हंगामा हुआ है, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। तो हमारे रेसिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ। तो हरेंद्र, जिस प्रकार से हंगामा हुआ है, विपक्षी पार्टियां क्या कह रही हैं? लगातार उनका है कि अलीगढ़ को लेकर हम बात करेंगे, तो उनके और भी क्या मुद्दे हैं इस पे? बिल्कुल अभिषेक, देखिए बताना चाहूंगा, आज बजट सत्र में विधानसभा विधान परिषद की कार्यवाही के संचालन का छठा दिन, और जिस तरह के आसार कल के घटनाक्रम के बाद नजर आ रहे थे कि अलीगढ़ मुद्दे पे सीए और एनआरसी को लेकर जो विरोध हुआ, जो हिंसा देखने को मिली है, उसको इसके चलते आज विधानसभा में हंगामा हो सकता है। तो सत्र की कार्यवाही 11 बजे विधिवत शुरू होने से पहले कांग्रेस के जो सदस्य हैं एमएलए और एमएलसी, उन्होंने प्रदर्शन किया है इस मुद्दे को लेकर, मांग की है कि इसको लेकर सरकार को अपना रुख जो है साफ करना चाहिए। साथ ही जो वहां पे फायरिंग हुई है और जो पथराव हुआ है, जो जो लोग घायल हुए उनके लिए जो जिम्मेदार जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। न सिर्फ सदन के बाहर विधान भवन परिसर के अंदर चौधरी सदन की मूर्ति पे धरना प्रदर्शन कांग्रेस के सदस्यों ने दिया, बल्कि सदन के अंदर विधानसभा की देखिए बात की जाए तो 11 बजे कार्यवाही शुरू होने के बाद ही न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी मांग की गई कि अलीगढ़ मुद्दे पे सदन में चर्चा होनी चाहिए। और कांग्रेस विधान मंडल दल के जो नेता है आराधना मिश्रा, उनकी तरफ से नोटिस इस बात को लेके दिया गया है कि चर्चा सदन में करना जरूरी है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से इस नोटिस को स्वीकार कर लिया गया और ये आश्वासन दिया गया है कि जो तय कार्यवाही है प्रश्नकाल खत्म होने के बाद सदन में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। और इस वक्त जो है प्रश्नकाल चल रहा है, लेकिन उससे पहले इस चर्चा की मांग को लेकर सपा और कांग्रेस के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही से वॉकआउट किया, तो एक खासा हंगामा इस मुद्दे पे देखने को मिला। और जिस तरह के आसार नजर आ रहे थे कि अलीगढ़ मुद्दे पे विपक्ष जो है सदन में हंगामा करेगा, कमोवेश वैसी ही स्थिति आज सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही देखने को मिली है। जी हरेंद्र, विपक्ष का इस समय जिस तरीके से हंगामा चला था, वहीं इस समय मौजूदा स्थिति क्या है विधानसभा में? जी अभिषेक, अपना सवाल दोहरा है। जी हरेंद्र, मैं विधानसभा में इस समय मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि चूंकि विधानसभा में 11 बजे जो तय समय कार्यवाही शुरू होने का, प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होनी थी, हालांकि हंगामे के चलते प्रश्नकाल जो है देर से शुरू हुआ है, लेकिन सपा और कांग्रेस के वॉकआउट के बाद अब विधानसभा में सदन के अंदर जो है प्रश्नकाल चल रहा है। और प्रश्नकाल के दौरान जो अलग अलग जो सदन के जो माननीय सदस्य उनके जो प्रश्न जो लगे होते हैं उनको लेके सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है। और सबसे पहला सवाल ऊर्जा विभाग से संबंधित है, जिसको लेके ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा इस समय विधानसभा में जवाब दे रहे हैं। तो अब इस दौरान प्रश्नकाल चल रहा है और जिस तरह से चर्चा की जो मांग थी विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से स्वीकार की गई और साफ तौर पर कहा गया कि प्रश्नकाल जब खत्म हो जाएगा, तकरीबन 1.5 घंटे का प्रश्नकाल है, उसके बाद जो है अलीगढ़ मुद्दे पे सदन में चर्चा की जाएगी। जी हरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ खबर पर जुड़ने के लिए।